अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ज़र्दा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस आसान सी रेसिपी को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखेगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। अमूमन ज़र्दा बनाते वक्त चावल सख्त हो जाते हैं, तो मैंने एक टिप भी शेयर की है जो कि आपके हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ज़र्दा बनाने के लिए हमें एक कप चीनी की ज़रूरत है, बस भी ज़रूरत मिक्स नट्स। मैंने तकरीबन आधा कप के जितने नट्स लिए हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। इनके अलावा आप अशरफियाँ भी ले सकते हैं। तकरीबन एक कप के जितना कुकिंग ऑयल, दो अदद छोटी इलायची, एक कप उबले हुए चावल। पानी में चुटकी भर ज़र्दा रंग डाल के आपने चावलों को फुल बॉयल कर लेना है। ज़र्दा बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पैन की ज़रूरत है। पैन में हम तकरीबन एक कप के जितना ऑयल ऐड कर देंगे और इसको हल्की आंच पे गरम करेंगे। जैसे ही ऑयल गरम होना शुरू होगा तो हम इसमें दो अदद इलायची शामिल कर देंगे और फिर मिक्स नट्स भी ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और इन रोस्टेड नट्स में हम तकरीबन आधा कप के जितना दूध शामिल कर देंगे। दूध शामिल करने की वजह से हमारे ज़र्दे के चावल नरम बनेंगे और सख्त नहीं होंगे। अब हम इसमें एक कप के जितनी चीनी भी शामिल कर देंगे। चम्मच की मदद से हम चीनी हल कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। जब चीनी हल हो जाएगी तो हम इसमें उबले हुए चावल ऐड कर देंगे और तेज़ आंच पर पकाएंगे ताकि चावल जल्दी से लिक्विड को सोख कर लें। ओकेजनली चावलों में आप चम्मच चलाते रहेगा ताकि तमाम चावल जो हैं वो इक्वली लिक्विड को एब्जॉर्ब करें। जब सारा लिक्विड एब्जॉर्ब हो जाए तो चावलों को तकरीबन 10 से 20 मिनट का दम दे दें। 20 मिनट के बाद हमारा मज़ेदार ज़र्दा तैयार है। आप भी इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करेगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिल सकें।